डिफरेंस समझने वाले हैं तो सबसे पहले बात करें हम सेंट्रल बैंक या कमर्शियल बैंक के तो सबसे पहला हमारा बेस क्या आता है कि मीनिंग क्या है है क्या सेंट्रल बैंक और है क्या कमर्शियल बैंक तो सबसे पहले देखते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या है इट इज एन एपेक्स बॉडी अब एपेक्स का मतलब क्या होता है कि टॉप या हाइएस्ट इट इज एन एपेक्स बॉडी डेट कंट्रोल ऑपरेट्स रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग एंड मोनिट्री स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री की सेंट्रल बैंक की बात करें सेंट्रल बैंक क्या है हमारा आर बी आई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो क्या है टॉप या हाइएस्ट बॉडी है क्या करती है वो कंट्रोल करती है ऑपरेट करती है रेगुलेट करती है डायरेक्ट करती है एंटायर बैंकिंग और मोनिट्री स्ट्रक्चर को कंट्री के इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं एपेक्स बॉडी बोल रहे हैं कमर्शियल बैंक की बात करें इट इज एन इंस्टीट्यूशन ये क्या है एक इंस्टीट्यूशन है परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग बेसिकली बैंक में हम क्या करते हैं अपना मनी जो है वो deposit कराते हैं तो बैंक क्या करता है हमारा एक्सेप्ट करता है डिपोजिट को पहला फंक्शन देन ग्रांटिंग लोन अगर मेरे को लोन लेना हो तो मैं कहा जाऊंगी भाई बैंक में जाऊंगी तो बैंक क्या करता है लोन भी ग्रांट करता है एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट और बैंक बेसिकली प्रॉफिट कमाता कहाँ से है लोन देकर कमाता है और अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर फिर प्रॉफिट अर्न करता है तो बैंक की बात करें कमर्शियल बैंक मतलब कोई भी बैंक जो हम देखते हैं लाइक पी एन बी एस बी आई यूको एक्सिस एच डी एफ सी ये सारे हमारे क्या है कमर्शियल बैंक हैं तो कमर्शियल बैंक क्या है एक इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है लोन ग्रांट करता है और इन्वेस्टमेंट करता है ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके ये क्या है हमारा कमर्शियल बैंक देन सेकेंड बेस हमारा आता है स्टेटस सेंट्रल बैंक की बात करें इट इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन द मॉनेटरी मार्केट कि हमने पहले ही बात करी कि भाई सेंट्रल बैंक क्या है एपेक्स बॉडी है मतलब टॉप बॉडी है हाईएस्ट बॉडी है किसकी पूरे मनी मार्केट स्ट्रक्चर की है बैंकिंग सिस्टम की क्या है आरबीआई हाइएस्ट बॉडी है इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन है मनी मार्केट की क्योंकि आरबीआई क्या करता है पूरे बैंकिंग को या फिर मनी मार्केट को कंट्रोल करता है ऑपरेट करता है रेगुलेट करता है ये हमने मीनिंग में देखा ही देन बात करें कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक का क्या स्टेटस है इट इज मेयरली अ यूनिट इन द बैंकिंग स्ट्रक्चर कमर्शियल बैंक की बात करें वो क्या है एक यूनिट है पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर की पर जब हम बात कर रहे हैं किसकी सेंट्रल बैंक की तो वो क्या है भाई एपेक्स बॉडी है एपेक्स बॉडी है पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर की ठीक है ऑफ द कंट्री एंड ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक कि जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के अंडर में काम करते हैं कंट्रोल करता है 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 सारे कमर्शियल कमर्शियल को ठीक बात करें बैंक क्या पूरे बैंकिंग सिस्टम की एक सिर्फ छोटी सी यूनिट है और वो क्या करती है सेंट्रल बैंक के अंडर ऑपरेट होती है क्योंकि अगर सेंट्रल बैंक के अंडर ऑपरेट नहीं होगी तो फिर कमर्शियल बैंक क्या करेंगे अपनी मनमर्जी का ट्रस्ट प्रोवाइड करेंगे लोन का ठीक है तो इससे सोशल वेलफेयर भी हो पाएगा बट बात करें भाई सेंट्रल बैंक की तो सेंट्रल बैंक का मोटिव होता है सोशल वेलफेयर करना तो इसलिए जो सारे कमर्शियल बैंक हैं वो अंडर द कंट्रोल होते हैं किसके आरबीआई के सेंट्रल बैंक के देन हमारा आता है ओनरशिप ओनरशिप की बात करें तो आर जो है वो क्या है ओन्ड और गवर्नड बाय द गवर्नमेंट जो सेंट्रल बैंक है हमारा वो ओन भी और गवर्न भी कौन करता है गवर्नमेंट करती है बट कमर्शियल बैंक की बात करें ये ओन एंड गवर्नड बाय गवर्नमेंट भी हो सकता है और प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है मतलब कमर्शियल बैंक हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के भी हो सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर के भी हो सकते हैं गवर्नमेंट बैंक की बात करें गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक की बात करें तो वो क्या हो गया हमारे एस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पी पंजाब नेशनल बैंक प्राइवेट सेक्टर के बैंक क्या हो गए हमारे एच या फिर एक्सिस बैंक ठीक है देन आता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्या है सेंट्रल बैंक का या कमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है पहले ही मैंने क्लियर कर दिया कि इट ऑपरेट्स इन पब्लिक इंटरेस्ट विदाउट प्रॉफिट मोटिव कि सेंट्रल बैंक का कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता उसका मेन मोटिव क्या होता है सोशल वेलफेयर करना बट यही बात करें कमर्शियल बैंक की तो इसका मेन मोटिव क्या है इट एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट इसका मेन मोटिव क्या है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना इसलिए तो कमर्शियल बैंक सारे के सारे अंडर द कंट्रोल ऑफ आर काम करते हैं क्योंकि अगर कंट्रोल ही नहीं होगा उनके ऊपर तो वो अपनी मर्जी का कुछ भी लोन का इंटरेस्ट लेंगे कहीं पे भी अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे प्रॉफिट अर्न करेंगे क्योंकि उनका मेन मोटिव क्या है भाई प्रॉफिट अर्न करना बट आर का मेन मोटिव क्या है सोशल वेलफेयर पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करना तो सारे कमर्शियल बैंक आर के अंडर कंट्रोल होते हैं देन बात करें इश्यू ऑफ करेंसी करेंसी इशू कौन करता है भाई सबको पता है कौन करता है आरबीआई करता है हमारा सेंट्रल बैंक करता है तो सोल मोनोपोली है मोनोपोली है किसकी सेंट्रल बैंक की क्योंकि पूरे इकोनॉमी में बात करें कोई भी आरबीआई के अलावा करेंसी इशू नहीं कर सकता ठीक है तो सोल मोनोपोली है इन द इश्यू ऑफ करेंसी और कैसी करेंसी इशू करता है हमारा आरबीआई पेपर करेंसी ठीक है पेपर नोट बेसिकली इशू करता है जो हमारे कॉइन्स हो गए या वन रुपी नोट हो गया वो कौन इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है उसके अलावा जितनी भी करेंसी हमारी पेपर करेंसी जो है वो कौन इशू करता है आर बी इशू करता है और कमर्शियल बैंक की बात करें तो भाई मैंने पहले ही बताया कि सोल मोनोपोली है आर के अलावा कोई और करेंसी इशू नहीं करेगा ठीक है एक्सेप्ट कॉइन और वन रुप नोट को लेकर वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है देन बात करें भाई कमर्शियल बैंक के पास कोई पावर नहीं है नो पावर टू इशू करेंसी कि कमर्शियल बैंक इशू नहीं कर सकता करेंसी को ठीक है आता है हमारा क्रेडिट क्रेडिट की बात करें आर क्या करता है इट कंट्रोल्स क्रेडिट क्रेडिट को कंट्रोल करता है कि इकोनॉमी में जो क्रेडिट चल रहा है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा आर करेगा देन कमर्शियल बैंक क्या करता है क्रिएट करता है क्रेडिट कैसे क्रिएट करता है भाई लोन प्रोवाइड करके क्रेडिट क्रिएट कर देता है मार्केट में तो कंट्रोल कौन करेगा आरबीआई करेगा क्रिएट कौन करेगा कमर्शियल बैंक करेगा देन बात करें नंबर ऑफ बैंक्स कि नंबर ऑफ बैंक्स की बात करें तो भाई आरबीआई जो है या सेंट्रल बैंक जो वो एकल होता है उसके अलावा कोई नहीं है तो ओनली वन सेंट्रल बैंक इन द कंट्री की एक कंट्री में क्या होता है सिर्फ एक ही सेंट्रल बैंक होता है जैसे इंडिया में क्या है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब इट नॉट डील विद जनरल पीपल अब आर जो है या सेंट्रल बैंक जो है वो क्या है एपेक्स बॉडी या टॉप बॉडी है पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर की या मनी मार्केट स्ट्रक्चर की तो वो जनरल पीपल से डील नहीं करेगी ऑब्वियस सी बात है भाई टॉप बॉडी है हाईएस्ट लेवल की बॉडी है तो वो जनरल पीपल से कैसे बात करेगी जनरल पीपल से तो डील करेगी नहीं अगर हम एक तरीके से कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या है सारे कमर्शियल बैंक का पापा है भाई और पापा बड़े लोग भाई ऐसे ही जनरल पीपल से बात नहीं करेंगे है ना जनरल पीपल से डील नहीं करेंगे इकलौता हमारा बैंक है सेंट्रल बैंक पूरे इकोनॉमी में या पूरे कंट्री में क्या होगा सिर्फ एक ही सेंट्रल बैंक होगा और वो जनरल पीपल से डील नहीं करेगा ठीक है बट कमर्शियल बैंक की बात करें ये नंबर ऑफ बैंक्स है नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक है इन अ कंट्री लाइक एस बी आई पी एन बी एक्सिस बैंक यूको बैंक नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक है और एक डील विथ जनरल पब्लिक ये जनरल पब्लिक से डील करेंगे क्योंकि हमें जब डिपॉजिट करना करना होता है तो हम एक्सिस बैंक या पी एन बी बैंक कमर्शियल बैंक में ही जाते हैं ठीक है लोन लेना होता है तब भी कमर्शियल बैंक्स में जाते हैं तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे डील करेंगे जनरल पीपल से या जनरल पब्लिक से बट सेंट्रल बैंक जो है वो जनरल पब्लिक से डील नहीं करेगा ठीक है भाई पापा बैंक या पापा ऐसे सबसे बात नहीं करेंगे है ना फंक्शन फंक्शन भाई function क्या है क्या फंक्शन करते हैं हमारा बट गवर्नमेंट तो भाई सुपीरियर हो गई ना तो गवर्नमेंट के सारे अकाउंट्स कहा होते हैं सेंट्रल बैंक में होते हैं और अगर कोई डील करनी होती है कहीं पर पैसा भेजना होता है या कोई ट्रांजैक्शन करनी होती है मनी की तो वो कौन करता है भाई? कस्टोडियन है है? गवर्नमेंट के फंड का कि गवर्नमेंट का जो सारा फंड होता है वो कहां होता है आरबीआई भी होता है और आरबीआई उसको कस्टडी में रखता है मतलब प्रोटेक्ट करता है क्या करता है आरबीआई मोनिट्री एंड फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड क्या करता है एडवाइस भी देता है अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है और फिस्कल पॉलिसी क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है कि आर कुछ बैंक uh, रेट हो गया एस हो गया सी हो गया तो इनमें कुछ फ्लक्चुएट करके इनके रेट को चेंज करके क्या करता है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन जैसे सिचुएशन में मनी को कंट्रोल करता है और इस सिचुएशन को दूर करने की कोशिश करता है बट वहीं बात करें फिजिकल पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी का मतलब क्या है गवर्नमेंट अपने रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर के थ्रू क्या करती है उसको बढ़ाकर या कम कर कर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसे सिचुएशन को कंट्रोल में करती है तो एडवाइस देता है आर बी आई मोनिटरी और पॉलिसी से रिलेटेड गवर्नमेंट को बट कमर्शियल बैंक की बात करें तो इट हैव नो एडवाइजरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टेट भाई इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि एडवाइस देगा स्टेट को ठीक है कमर्शियल बैंक जो होता है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो स्टेट को कोई एडवाइस दे लाइक like आरबीआई की क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट को एडवाइस भी देता है फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर ठीक है सो so गाइज ये था क्या सेंट्रल बैंक वर्सेस कमर्शियल बैंक कंक्लूड कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा कि सेंट्रल बैंक क्या है एपेक्स बॉडी है टॉप बॉडी है जो कि कंट्रोल करेगी ऑपरेट करेगी रेगुलेट करेगी डायरेक्ट करेगी पूरे एंटायर बैंकिंग और मॉनिट्री स्ट्रक्चर को एपेक्स बॉडी है ये हमने बात ही करी और और गवर्न कौन करता है गवर्नमेंट करती है और किसके लिए काम करती है सोशल वेलफेयर पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए काम करती है और सोल मोनोपोली है इशू ऑफ करेंसी में सिर्फ एक्सेप्टन रुपी नोट और कॉइन्स कौन इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है क्रेडिट की बात करें तो कंट्रोल करती है क्रेडिट इकोनॉमी में कंट्रोल करती है क्रेडिट को ठीक है और पूरा इकलौता क्या है सेंट्रल बैंक है हमारा और जनरल पीपल से डील नहीं करता क्या है एजेंट है गवर्नमेंट का और बैंकर है गवर्नमेंट का क्योंकि गवर्नमेंट से सारे बैंक अकाउंट आरबीआई में ही होते हैं और कस्टडी करता है गवर्नमेंट के फंड की और एडवाइजेस देता है मोनिटर फिस्कल पॉलिसी रिलेटेड कमर्शियल बैंक की बात करें ये एक इंस्टीट्यूशन है ठीक है जो क्या करता है एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को ग्रांट करता है लोन्स को और इन्वेस्टमेंट करता है ताकि प्रॉफिट अर्न कर सके क्योंकि मेन मोटिव ही क्या है भाई प्रॉफिट अर्न करना और एक यूनिट है पूरे एंटायर बैंकिंग स्ट्रक्चर की और ऑपरेट होती है अंडर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई ओन्ड और गवर्न होते हैं बाय प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो एस बी आई पी एन भी हो गया प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो एच डी एफ सी और एक्सिस बैंक हो गया मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना मेन मोटिव है ठीक है कोई पावर नहीं है करेंसी इशू नहीं कर सकते क्रेडिट को क्रिएट करते हैं ये और कमर्शियल बैंक जो है वो नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक होते हैं और डील करते हैं जनरल पब्लिक से और इसकी कोई एडवाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि स्टेट को कुछ एडवाइस वगैरह दे ठीक है सो so गाइज ये था क्या सेंट्रल बैंक वर्सेस कमर्शियल बैंक बहुत ही डिटेल में पढ़ा हमने सो so गाइज आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू